जय हिंद एवरीबॉडी, ब्रिगेडियर हेमंत महाजन वेलकम्स यू अगेन टू अनदर सेशन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी ऑन दिस फेसबुक लाइव सेशन ऑफ स्वतंत्रवीर सावरकर स्मारक। फर्स्टली आई वांट टू टेल यू दैट टुडे इज 16th ऑफ जनवरी, यस्टरडे वाज 15th ऑफ जनवरी विच वॉज एन आर्मी डे एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे एज फार एज इंडियन आर्मी इज कंसर्न्ड। ऑन दिस डे अ परेड टेक्स प्लेस एट करियप्पा रोड इन न्यू दिल्ली where gallantry award winners up to the rank up to the award level of Sena medal are awarded gallantry medals, unit citations are awarded, and the chief one day before that gives his appreciation of what is the security threat to the country. All this was done by the present chief, that is General Naravane, and he very clearly brought out that security challenges in front of the country have not changed, in fact they have increased. And we really have to be very attentive as far as the Chinese and the Pakistani borders are concerned. आज जिस विषय के ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं वो विषय है कि इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर अगर आप एक ऑफिसर के तौर पे जाना चाहते हैं तो इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या लगते हैं, उसके लिए तैयारी किस प्रकार से करनी पड़ती है, मेडिकल एग्जाम कैसे होती है, रिटन एग्जामिनेशन कैसे होती है, एसएसबी इंटरव्यू कैसा होता है वगैरह। और जब हम आर्म फोर्सेस की बात करते हैं इसमें आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, इन तीनों दलों में अलग अलग प्रकार की एंट्रीज अवेलेबल है अंदर आने के लिए। तो इस विषय के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे और आज हमारे साथ बात करने के लिए एक बहुत ही क्वालिफाइड आर्मी ऑफिसर है जिनका नाम है ब्रिगेडियर सुनील बोदे। ब्रिगेडियर सुनील वेलकम टू स्वतंत्रवीर सावरकर स्मारक। मैं आपको धन्यवाद। मैं पहले उनकी एक आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि उन्होंने भारतीय सेना में जाट रेजिमेंट में और बाकी सब जगह पे 35 ईयर्स से ज्यादा सर्विस की है। भारत चीन सीमा है, भारत पाकिस्तान सीमा है, वहां पे काम किया है। इसके सिवाय वो जिस आजकल जो विषय है कि भारतीय सेना में प्रवेश, इस विषय के ऊपर जो सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड होता है उसके वो प्रेसिडेंट रहे हुए हैं, यानी कि उनके पास बहुत अच्छा ऑपरेशनल एक्सपीरियंस है, उनके पास थ्योरेटिकल नॉलेज भी अच्छा है। वो अगर उनके नाम देखेंगे आप तो उन्होंने अपनी डॉक्टरेट भी की हुई है, तो ही इज अ वेरी इमेंसली क्वालिफाइड ऑफिसर। और आज वो हमारे से बात करेंगे कि सेना में अगर प्रवेश करना है एज एन ऑफिसर तो क्या क्या करना पड़ता है। तो शुरुआत में मैं ब्रिगेडियर बोदे को पहला सवाल करूंगा कि पहले ये बताइए कि प्रवेश करने के लिए जो क्वालिफिकेशंस लगते हैं, एज लिमिट है या इतर, उसके बारे में बताइए। पहले पार्ट में आप बताइए कि अगर आप 10+2 यानी कि 12वीं तक आपके पास क्या अलग अलग एंट्रीज अवेलेबल है, उसके बाद ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के ऊपर। तो शुरुआत करते हैं ब्रिगेडियर बोदे, प्लीज टेल अस व्हाट आर द वेरियस क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड at these three levels. Over to you, Brigadier Bode. धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं वीर सावरकर स्वातंत्र स्मारक और ब्रिगेडियर महाजन इनका धन्यवाद करता हूँ। आज का जो विषय है, अपने यहाँ के जो बच्चे हैं, खास करके जो आर्म फोर्सेस में, आर्मी नेवी एयरफोर्स में ऑफिसर बन के जाना चाहते हैं, उनके लिए एक ये कॉम्पिटिटिव तरीका है जिसमें उनको अपने आप को तैयार करना पड़ता है। जब बच्चा 10वीं क्लास में होता है उसी समय तकरीबन हमें पता चल जाता है कि उस बच्चे का एप्टीट्यूड क्या है। वो साइंस स्ट्रीम में जाना चाहता है, आर्ट्स कॉमर्स या और कोई स्ट्रीम में जाना चाहता है। जब वो 11th-12th में आता है तो उसको जो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है वो तीन जरिए से है। सबसे पहले है नेशनल डिफेंस अकेडमी खड़कवासला, इसका जो है यूपीएससी की एग्जाम होती है, साल में 2 बार एग्जाम होती है, और उसके बाद एक बार वो एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद उसको सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के लिए जाना पड़ता है, वहां पर उसके इंटरव्यूज होते हैं और उसके बाद उसकी मेडिकल होती है, फिर मेरिट लिस्ट निकलती है। तो ये एंट्री जो है तकरीबन 350 से 400 की वैकेंसीज होती है और आजकल लड़कियों को भी हमने इजाजत दी है तो लड़कियां भी इसके लिए तैयारी कर सकती है। अभी जो यूपीएससी एग्जाम हुआ था नवंबर में उसमें 1,75,000 लड़कियों ने हिस्सा लिया था।
तो ये सबसे पहले जो है सबसे अहम एंट्री जो है वो नेशनल डिफेंस एकेडमी के थ्रू है। इसमें आप आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों में जा सकते हैं, आपका चॉइस ऑफ आर्म्स दिया जाता है और उस मुताबिक आपका सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड भी अलॉट होता है। ये हुआ एंट्री के लिए। इसी के साथ आप दूसरी जो एंट्री है वो है 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम। सो टेक्निकल एंट्री स्कीम में आप सबको एनडीए नहीं क्वालिफाई हो पाते हो या एनडीए के बारे में आपको पता नहीं था, तो हमने दूसरी एक एंट्री चालू की है टेक्निकल एंट्री स्कीम 10+2। तो इसमें आपको पीसीएम जो सब्जेक्ट है और एग्रीगेट मार्क्स आपका 60% और 70% वो हर नोटिफिकेशन में दिया जाएगा कि कट ऑफ क्या होगा, वो नेशनल स्कोर के ऊपर निर्भर करता है, उस मुताबिक आप अप्लाई कर सकते हो टेक्निकल एंट्री स्कीम फॉर आर्मी। और उसी के साथ नेवी का भी टेक्निकल एंट्री स्कीम होता है 10+2 वाला, उसके अंदर आपके जेई मेंस के भी मार्क्स ऐड किए जाते हैं। तो ये 12th क्लास के मार्क्स और आपके जेई के मार्क्स और आपके पीसीएम के मार्क्स, इसके बेसिस के ऊपर टेक्निकल एंट्री स्कीम जो नोटिफिकेशन निकलता है उसके लिए आपने अप्लाई करना होता है। अगर आप कट ऑफ के ऊपर है और आप जो हमने एक संख्या रखी होती है कि कितने बच्चे हम एसएसबी के लिए बुलाएंगे, उसके अंदर अगर आप आते हैं तो हम आपको एसएसबी के लिए कॉल अप लेटर देते हैं। उसके आगे का प्रोसीजर वही होता है जो एनडीए वालों के लिए होता है। आपको एसएसबी क्लियर होने के बाद आपको मेडिकल के थ्रू जाना पड़ता है, फिर मेरिट लिस्ट निकलती है और फिर आपको एकेडमी में एडमिशन मिलता है। लेकिन ये एडमिशन जो है ये ओटीए गया या आपका हमारा जो टेक्निकल एंट्री स्कीम के लिए कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग है उसके अंदर आपको अपनी ट्रेनिंग पूरी करनी पड़ती है 4 साल की, और एनडीए के लिए भी आपको 4 साल की ट्रेनिंग पूरी करनी पड़ती है। नेवल अकेडमी के लिए भी वही है। तो ये 4 साल के दौरान आपको इंजीनियरिंग की डिग्री दी जाती है या उसकी पढ़ाई करवाई जाती है। इसके अलावा जो तीसरा आपको एंट्री अवेलेबल है वो आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज। तो आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज जो बच्चे पीसीबी लिए हुए हैं या पीसीएम भी लेके वो नीट का एग्जाम देते हैं, तो नीट का एग्जाम का जैसे ही रिजल्ट आ जाता है तो एक नोटिफिकेशन आता है कि कट ऑफ क्या है। तो उस कट ऑफ के ऊपर वाले जो बच्चे हैं वो एफएमसी के लिए अप्लाई करते हैं। आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज जैसे एनडीए वैसे पूरे देश में आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज एक सबसे बढ़िया कॉलेज है, जहां पर मतलब जो टॉपर्स होते हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है। उसमें प्रोसीजर ये होता है, अगर आपने कट ऑफ क्लियर किया है, आपने अप्लाई करने के बाद फिर आपको पैनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इसके इंटरव्यू में फर्क होता है, एसएसबी अलग है और पैनल इंटरव्यू अलग है। तो ये पैनल इंटरव्यू में आपके मार्क्स होने के बाद फिर आपको मेडिकल के थ्रू जाना पड़ता है और फिर मेरिट लिस्ट आती है और फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर 125 वैकेंसीज होती है बच्चों, 130 वैकेंसीज है, 105 बच्चों के लड़कों के लिए है और 25 वैकेंसी लड़कियों के लिए है। इसके अलावा और एक क्लास 1 गैजेटेड ऑफिसर की जॉब है, वो है मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। जिन बच्चों ने खास करके पीसीबी लिया हुआ है उनके लिए मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज जो कि बहुत ही एलिट सर्विसेज है, सेवा परमो धर्म, तो ये जो भी लड़कियां जिनको समझो नहीं चांस मिल पाता है मेडिकल के लिए जाने के लिए वगैरह, तो मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज एक बहुत ही चैलेंजिंग सर्विस है। इसमें 12th के बाद आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, ये साल में एक बार होता है और इसके बाद आपकी 4 साल ट्रेनिंग होती है, उसके अंदर आपको ग्रेजुएशन दिया जाता है नर्सिंग में और यू बिकम अ लेफ्टिनेंट आफ्टर दैट, दैट इज गैजेटेड ऑफिसर आफ्टर दैट। और इसके अंदर भी रैंक स्ट्रक्चर ऐसा है कि यू कैन रीच अप टू द लेवल ऑफ मेजर जनरल। तो ये मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, इसके अंदर भी जो प्रोसीजर है वो है रिटन एग्जाम, पहले तो 150 मार्क्स का पेपर होता है, उसके अंदर जनरल इंग्लिश, जनरल साइंस और जनरल इंटेलिजेंस एंड जीके, ऐसे 3 सेक्शन होते हैं। और इसका एग्जाम देकर के आप क्वालिफाई होने के बाद, ये लड़कियों के लिए है, क्वालिफाई होने के बाद आपको 4 साल का ट्रेनिंग दिया जाता है और उसके बाद आपको कमीशन मिलता है। तो 10+2 लेवल के ऊपर जो कॉम्प्रिहेंसिव एंट्रीज है ऑफिसर लेवल के लिए, ये 5 एंट्रीज मैंने बता दी, एक तो एनडीए है, उसके बाद 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम आर्मी, 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम नेवी, उसके बाद आर्म फोर्सेज मेडिकल कॉलेज और उसके अलावा मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज।
तो ये ऑफिसर केडर के लिए ये सर्विसेज आपको, ये एंट्रीज आपको अवेलेबल है। ओके, आपने बताया कि 10+2 के बाद क्या क्या अलग अलग आपके पास अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, ये बताया आपने। अभी ये बताइए कि अगर एक आधा कैंडिडेट ग्रेजुएट हो जाता है या पोस्ट ग्रेजुएट हो जाता है तो उस लेवल के ऊपर कौन कौन सी एंट्रीज अवेलेबल है, इसके बारे में बताइए। इसके बाद फिर हम अगले मुद्दे पे जाएंगे। ब्रिगेडियर बोधे, ओके, तो जैसे ही आप प्रोग्रेस करते हो, समझो बाय चांस आपको इच्छा है कि आर्म फोर्सेस में ऑफिसर बनना है लेकिन आप 10+2 के दौरान नहीं कर पाते हो, कोई बात नहीं, फिर आप जो भी ग्रेजुएशन करते हो, चाहे इंजीनियरिंग हो चाहे आपका नॉर्मल ग्रेजुएशन हो, जो सब्जेक्ट्स आपको अच्छे लगते हैं वो सब्जेक्ट्स में आप ग्रेजुएशन करिए, और उसके बाद व्हेन यू आर इन द थर्ड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन और फोर्थ ईयर ऑफ इंजीनियरिंग, यू बिकम एलिजिबल फॉर अपीयरिंग फॉर ग्रेजुएट लेवल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। तो ग्रेजुएट लेवल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आपके पास कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज की एग्जाम्स होती है, जिसके अंदर एज लिमिट आपका 24 से लेकर के 24 की साल की उम्र तक, 21 से 24 है एज लिमिट, और उसी के साथ आप जो बाकी एग्जाम्स दे सकते हो वो है, अच्छा पहले सीडीएस के बारे में बताऊंगा। सीडीएस के थ्रू आप आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों में परमानेंट कमीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा शॉर्ट सर्विस कमीशन भी है आर्मी का, ये आपको वैकेंसीज तकरीबन 200 के लगभग होती है और यह एग्जाम साल में 2 बार होती है, तो यह भी एक बहुत अच्छा जरिया है ग्रेजुएशन के बाद कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के लिए जाने के लिए। इसके अलावा आपको फिर जाना पड़ता है टेक्निकल एंट्री स्कीम, जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए बिना यूपीएससी के एग्जाम के यू कैन अप्लाई फॉर टेक्निकल एंट्री स्कीम फॉर आर्मी नेवी एयरफोर्स। इसके अलावा आर्म एयरफोर्स और नेवी एक दो अलग एग्जाम लेते हैं, एक है एफकैट आर्म फोर्सेस एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट एंड आईनेट इंडियन नेवल एंट्री टेस्ट, ओके एंट्रेंस टेस्ट। सो इसमें क्या है कि इसके अंदर जो प्रोसीजर है एक है, इनफैक्ट तीन चीजें हैं, एक तो परमानेंट कमीशन है, एक है शॉर्ट सर्विस कमीशन है और एक है टेक्निकल एंट्री जिसको कि रिटर्न एग्जाम की जरूरत नहीं है, ओके तो एज लिमिट जो है जो परमानेंट कमीशन वाला है उसके अंदर 24 साल तक एज लिमिट है, 21 to 24, जो शॉर्ट सर्विस कमीशन है उसको 25 तक रिलैक्सेशन है, और जो टेक्निकल एंट्री स्कीम्स है जिसमें ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियर्स है वो 27 इयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। तो ओके ओके, मैं अगला सवाल ये पूछना चाहूंगा कि जब हम स्टैटिस्टिक्स की तरफ देखते हैं तो ये नजर आ जाता है कि एनडीए के लिए ऑलमोस्ट 4 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं और उसमें से मेरे ख्याल से सिर्फ 8,000 के आसपास उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और 350-400 ये फाइनल मेरिट लिस्ट में आते हैं। तो एक कारण क्या है कि ये जो पिरामिड इतना नैरो क्यों है, ये एक बात हो गई, और दूसरा एक 2-3 सवाल हमेशा पूछे जाते हैं कि अगर मेरी इंग्लिश कमजोर है तो क्या हिंदी में मैं बात कर सकता हूँ। तीसरा सवाल पूछा जाता है कि इसमें कोई रिजर्वेशंस तो होते हैं क्या, कोई कैटेगरी के रिजर्वेशंस वगैरह, और चौथा आ जाता है, जो चौथा सवाल पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि अगर मेरी जो मेडिकल एग्जाम्स वगैरह होती है ये काफी टफ होती है तो उसके लिए मैं क्या करूं। तो ये 4 सवाल का आप जवाब दीजिए कि कोई इसमें इंग्लिश कमजोर है तो उसका प्रॉब्लम क्या है, ये कंपटीशन इतनी टफ क्यों है, और नंबर 3 ये मेडिकल एग्जाम करना ये करना ये किस प्रकार से करना चाहिए। ब्रिगेडियर बोधे, ओके, तो जो आपके बच्चों के दिमाग में या दिल में जो शक सुबह है ये बहुत सही है। फर्स्टली मैं आपको बताना चाहता हूँ नेशनल डिफेंस एकेडमी जो है वो दुनिया में जो टॉप 10 इंस्टीट्यूट है जिसके अंदर सबसे ज्यादा एडमिशन डिफिकल्ट होती है ऐसी वाली इंस्टीट्यूट है, और इस इंस्टीट्यूट में जो ट्रेनिंग दिया जाता है वो बहुत ही आधे दर्जे का है। अभी जैसे ऑन एन एवरेज अगर हम देखते हैं कि 500 बच्चे जो यूपीएससी की एग्जाम देते हैं उनमें से एक बच्चा सिलेक्ट होता है, ये ऑन एन एवरेज कॉम्पिटिशन लेवल है, ठीक है ना। अभी देखो आप लोगों ने ये समझना जरूरी है कि आज के आर्म फोर्सेज जो है ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव और साइंस ओरिएंटेड आर्म फोर्सेज है, ठीक है ना। आर्मी नेवी एयरफोर्स में मॉडर्नाइजेशन बहुत अच्छा हो रहा है,
तो अभी आप देखोगे दो पेपर होते हैं यूपीएससी के अंदर, एक मैथ्स का पेपर होता है 300 मार्क्स का और दूसरा जनरल एबिलिटीज टेस्ट का होता है, वो 600 मार्क्स का होता है। और जहां तक मैथ्स है, मैथ्स का लेवल है जेई मेंस और जेई एडवांस के बीच वाला। तो अगर आपने कॉमर्स या आर्ट्स लिया है 11th 12th में, तो आपको मैथ्स के ऊपर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और बाकी जो गैट है वो सिलेबस काफी वास्ट है, तो आपको तकरीबन 6 से 8 महीने कम से कम तैयारी करनी पड़ती है। तो इसलिए एनडीए के अंदर एडमिशन पहली चीज यूपीएससी काफी टफ है। जहां तक एसएसबी और मेडिकल का सवाल है, एसएसबी में बच्चे जो अच्छे हैं, जिनका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है और जिनका फिजिकल फिटनेस वगैरह है, वो तकरीबन हो जाते हैं। जो तो कॉम्पिटिशन बहुत टफ है, बिना कॉम्पिटिशन के आप एनडीए के लिए सिलेक्ट नहीं हो सकते। दूसरी बात है, जहां तक इंग्लिश का ताल्लुकात है, अभी क्या है कि हम सब विविध भाषाओं से बात करते हुए आए हैं अपने घरों में, लेकिन एक कॉमन लैंग्वेज जो हमने रखी है वो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इज इंग्लिश। और अगर तो कई कई बार बोलने में वगैरह आपको हिंदी की प्रॉब्लम आती है, तो हम सब जानते हैं कि इंग्लिश इज फॉरेन लैंग्वेज एज फार एज वी आर कंसर्न, हमारे लिए ये एक फॉरेन लैंग्वेज है, लेकिन आज की तारीख में हमें उसको महत्व देना पड़ता है। इसके अलावा अगर तो समझो बाई चांस आप बीच में कोई चीज हिंदी में बोलते हो, तो हम आपको फिर भी उसका कंसेशन देते हैं, क्योंकि हम लैंग्वेज से ज्यादा ये देखते हैं कि आप बोल क्या रहे हो। आर यू टॉकिंग सेंस, मतलब आप जो विचार दे रहे हो या आप जो आपकी सोच है क्या वो सही है। लैंग्वेज इज जस्ट अ मीडियम। इसके अलावा जो एक और मायना होता है लैंग्वेज के अंदर, जो बच्चे सेमी इंग्लिश मीडियम में या इंग्लिश मीडियम में 2 साल से ज्यादा साल इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई किए हैं, खास करके इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स और जो इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए हैं, तो उनसे हम अपेक्षा करते हैं कि वो कोई भी लैंग्वेज 2 साल के लिए पढ़ने के बाद, उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस लेने के बाद, उसको अपने विचार जो है वो उस लैंग्वेज में रखने आने चाहिए। ही शुड बी एबल टू कम्युनिकेट इन सिंपल इंग्लिश। हम लोग कोई आपसे बहुत बड़ी इंग्लिश की अपेक्षा नहीं करते हैं, ठीक है ना। अगर तो समझो आप वो नहीं कर पाते हो, तो हमने एक वो भी मायना रखा होता है कि द कैंडिडेट लैक्स इफेक्टिव इंटेलिजेंस। ओके, मतलब उसका इंटेलिजेंस लेवल इतना नहीं है कि वो कोई भी चीज 2 साल के लिए पढ़ने के बाद भी वो नॉर्मल रिटन एंड कम्युनिकेशन, रिटन एंड स्पोकन कम्युनिकेशन नहीं कर सकता है। इसका मतलब आपकी काबिलियत ऑफिसर बनने के लिए क्षमता पूर्ण नहीं है, इसलिए काफी बच्चे रह जाते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश इज नॉट अ बैरियर, मैं आपको बताता हूँ। 1-6 महीने के लिए आप मेहनत करिए और जिंदगी भर के लिए इंग्लिश विल बी यू नो विल नॉट बी अ बैरियर और प्रॉब्लम फॉर यू, ठीक है। हम सब उसी दौर से गुजरे हुए हैं। उसके बाद अगला जो एक सवाल था वो था मेडिकल के बारे में। देखिए, आर्म फोर्सेस जो है वो एक बहुत टफ सर्विस है और इसके अंदर मेडिकल के बहुत ज्यादा इम्प्लीकेशन रहते हैं, क्योंकि आपको आगे जा करके हर एक तरह के टेरेन में, ठीक है ना, चाहे वो रेगिस्तान हो, चाहे हाई एल्टीट्यूड हो, या बर्फीला इलाका हो, या जंगल वाला इलाका हो, हर जगह पे आपको नौकरी करनी पड़ती है और जो ट्रेनिंग है वो काफी टफ है। तो इस दौरान अगर तो आपने कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम आ जाती है या आपको यू नो हम आगे नहीं ले जा सकते, तो ये गवर्नमेंट को बहुत बड़ा लॉस होता है। इसके लिए ये मेडिकल जो स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं ये काफी स्ट्रिंजेंट है, काफी स्ट्रिक्ट है। तो जिन बच्चों को सब जो मेडिकल में रह जाते हैं, कोई बात नहीं, इफ यू क्लियर योर एसएससी यू कैन टेक इट कि यू आर गुड मटेरियल, और अगर आप आर्म फोर्सेस में नहीं तो बाकी जगह ऑफिसर बन जाओगे। इसके अलावा और कोई डाउट या प्रॉब्लम था सर जो क्लियर करना है? ओके, ब्रिगेडियर बोले ये भी इसमें बताते हैं कि जब ये कोई कैंडिडेट अपियर करना चाहता है आर्म फोर्स एग्जाम के लिए, तो उसके लाइफ में 3 लोग होते हैं। एक तो वो खुद कैंडिडेट, उसकी एटीट्यूड क्या है, दूसरा है उसके जो टीचिंग स्टाफ होता है जिस स्कूल में कॉलेज में वो पढ़ रहा है, और तीसरा जो है वो होते हैं उसके पेरेंट्स। तो काफ़ी बार पेरेंट्स को ये डर लगता है कि ये आर्म फोर्सेस पे जाना किस प्रकार से ये घर से दूर चला जाएगा वगैरह वगैरह। तो ये बताइए कि इसके लिए कुछ आप जो पेरेंट्स हैं उनके भी कभी आप कभी ये क्या करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, या जो टीचर्स जो अलग अलग स्कूल कॉलेजेस में होते हैं उनकी भी काउंसलिंग की जरूरत है? ब्रिगेडियर बोल रहे,
यस, ये बहुत ही अच्छा और गहरा सवाल है। गहरा सवाल इसलिए है क्योंकि अगर जब हम समाज में देखते हैं आजकल क्या है कि वी आर ऑल हैविंग न्यूक्लियर फैमिलीज, छोटे छोटे कुटुंब है, ठीक है ना। तो एक या दो बच्चा, जिस घर के अंदर एक ही बच्चा है वो पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारे बच्चे ने हमसे दूर नहीं जाना चाहिए। जिस घर में दो बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, तो वो सोचते हैं कि भाई लड़की की शादी होकर के लड़की अपने घर जाएगी तो लड़का हमारे पास रहना चाहिए। जिसके घर में दो लड़के हैं वो थोड़ा बहुत सोच सकते हैं। तो अभी क्या है कि अगर हम सारे ऐसे सोचेंगे तो देश को कौन बचाएगा, देश की सेवा कौन करेगा, या देश को कौन संभालेगा, देश की रक्षा कौन करेगा। तो ये मैं पेरेंट्स को भी हमेशा बताता हूँ, अगर तो आपको जिंदगी या आपके अपने लाइफ को कोई मीनिंग देनी है या कोई अर्थ देना है तो बहुत बहुत जरूरी है कि आप ऐसा फील्ड चुने जिसके अंदर चैलेंजेस हो। आदमी मरता है, अभी लाखों सैकड़ों लोग मर जाते हैं, बचपन में मर जाते हैं, एक्सीडेंट में मर जाते हैं, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। मैं आप लोगों को यकीन के साथ बताता हूँ कि बाहर जितना लोग कैजुअलनेस से या एक्सीडेंट से मर जाते हैं उससे बहुत कम मात्रा में फौज के ऑफिसर, जेसीओ जवान मरते हैं, क्योंकि वी आर ऑल प्रोटेक्टेड, वी आर ट्रेन टू फाइट। हम लोग लड़ने के लिए हमारा ट्रेनिंग होता है। तो सिर्फ ऑपरेशनल ऑपरेशंस में वगैरह कई बार या नॉर्मल नेचुरल डेथ की वजह से डेथ होती है, लेकिन ओवरऑल रेशियो अगर हम देखें तो फौज के अंदर आने के बाद ऑपरेशनल और बाकी चीजों में ड्यूटी करते समय जो शहीद हो जाते हैं या देश की सेवा करते करते अपने प्राण दे देते हैं उनकी संख्या बहुत कम है। लेकिन आपने ये देखना है कि पॉजिटिविटी की तरफ देखो, कि शान देखो, जिस प्रकार से देश की सेवा करने का मौका मिलता है, जिस प्रकार से उसका फिजिकल फिटनेस रहता है, जिस प्रकार से वो अपनी जिंदगी बिताता है, तो ये सब देखते हुए एक गौरवान्वित ऐसा लाइफ, ऑनरेबल लाइफ जो है वो सोल्जर जीता है। तो ऐसे कोई डरने की बात नहीं है। और मैं पेरेंट्स को ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, हम लोग लड़के लड़कियां सभी को ये एनकरेज करते हैं, और जो मतलब सोच है कि जो युवा पीढ़ी है वो युवा पीढ़ी करना चाहती है, तो मेरी पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी छोड़ दीजिए, ऐसे कुछ नहीं है। हम भी सारे बच्चे थे, हमारे टाइम पे भी ये था। आपने 35-40 साल फ्रंट लाइन के ऊपर नौकरी की है, महाजन साहब और मैं, हम लोग इकट्ठा नौकरी भी की है बॉर्डर के ऊपर, तो ऐसे कुछ नहीं है। बड़ा मीनिंगफुल लाइफ है, बड़ा एडवेंचरस लाइफ है, और मतलब जो हानि हो जाती है या जो डेंजर एरिया है वो ठीक है, हम सबको जिंदगी में डेंजर से फेस करने की आदत होनी चाहिए, और ये उभरते भारत की भी जरूरत है। ओके, एक सवाल हमेशा पूछा जाता है कि अगर आप ये एग्जाम देखेंगे, रिटन परीक्षा तो आमतौर पर लड़के पास हो जाते हैं अगर वो अच्छा पढ़ाई करे, अच्छी तरह से सिलेबस कवर करे, ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करे वगैरह वगैरह, लेकिन जिसे सबसे ज्यादा तकलीफ होती है वो होता है सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू, जो 5 दिन के लिए चलता है। तो थोड़ा सा ये जो इंटरव्यू किस प्रकार से होता है इसके थोड़ा ब्रीफ इसके बारे में बताएं, और मोर इम्पोर्टेंट कि इसके लिए तैयारी कैसे की जाए, थोड़ा इसके ऊपर प्रकाश डालें। ब्रिगेडियर बोले, ठीक, धन्यवाद। अच्छा, हम लोग सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में इतने डिटेल में टेस्ट क्यों लेते हैं और इसका क्या मकसद होता है, मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि हम लोग वहां पर जो टेस्ट लेते हैं उसका एक ही मकसद होता है कि आपका व्यक्तिमत्व, आपके विचार, आपका फीलिंग्स, आपके जो थॉट्स है और जो बिहेवियर है वो आपको कैसे, आपके कैसे होने चाहिए, इसके ऊपर हमारा ज्यादा जोर होता है। अभी देखिए, जब हम पर्सनैलिटी डेवलप, पर्सनैलिटी बोलते हैं, तो पर्सनैलिटी में क्या होता है कि हम लोग अपने अंतर मन में या सब कॉन्शियस में कुछ और विचार करते हैं। जब हम लोग कॉन्शियस लेवल पे होते हैं या जब आमने सामने होते हैं किसी एक व्यक्ति विशेष के साथ, तब हमारा बिहेवियर अलग होता है, और जब हम लोग ग्रुप में आ जाते हैं तब हमारा बिहेवियर अलग हो जाता है। तो ये 3 लेवल के ऊपर हम सबका बिहेवियर होता है, 3 डायमेंशन में, एक अंतर्मन का है, एक कॉन्शियस लेवल का है, और तीसरा है ग्रुप डायनामिक्स का। तो ये 3 ही लेवल के ऊपर हम आपके अलग अलग क्वालिटीज देखते हैं, ठीक है ना, जिसको हम ऑब्जर्व लाइक क्वालिटीज बोलते हैं, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें आती है, आपका दिमाग इस्तेमाल करने का तरीका, आपके दिमाग की क्षमता, आप दिल से कैसे है, क्या आपके अंदर त्याग भावना है या नहीं, आपके अंदर कोऑपरेशन है या नहीं, आपका सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसके बाद आपका फिजिकल फिटनेस क्या है, आपका मेंटल स्टैमिना क्या है, और इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज क्या क्या है।
तो ये तीनों लेवल के ऊपर हम देखते हैं, एक प्रिजन की तरह जिसके अंदर एक साइकोलॉजिस्ट के टेस्ट होते हैं, एक इंटरव्यू ऑफिसर का इंटरव्यू होता है 45-50 मिनट्स का, और उसके बाद एक ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर के बहुत सारे टेस्ट होते हैं। तो ये तीनों एंगल से एट ये तीनों लेवल के ऊपर हम आपका बिहेवियर वगैरह देखते हैं। अभी मोस्ट बहुत सारे बच्चों का ये होता है कि ठीक है ना, कि जो टेस्ट है वो मैं टेस्ट कॉलम लेटर आने के बाद मैं जाके टेस्ट दे दूंगा और पास हो जाऊंगा। तो इसके लिए देखिए, ये जो तीन चीजें महाजन सर ने बताई थी, तीन चीजें हैं। पहली चीज है पेरेंट्स, जो आपके ऊपर मैक्सिमम संस्कार होते हैं बचपन से, जो कि आपका अंतर्मन या आपका सबकॉन्शियस बिहेवियर है वो कंट्रोल करता है। दूसरा होता है आपके टीचर्स या आपके जो आइडल्स हैं या जिससे ऊपर जिससे आप प्रेरणा लेते हैं, अपने विचारों की प्रेरणा लेते हैं, अपने बिहेवियर की प्रेरणा लेते हैं। और तीसरा जो चीज है वो है कि आपका खुद का सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग। ये तीन चीजें, ये खुद की अंडरस्टैंडिंग आती है इंट्रोस्पेक्शन से, बार बार अपने आप को टटोल के देखना कि मेरी कहाँ गलती होती है, मैं जिंदगी में क्या कर रहा हूं, मेरा उद्देश्य क्या है, ये सब आता है और इससे आप खुद की डेवलपमेंट करते हो। तो ये कोई मतलब ये नहीं है कि आप 15 दिन या 20 दिन तैयारी करके आप पास हो जाओगे। हमारी जिंदगी में पहले 7-8 साल तक हमारे जो संस्कार है वो हो जाते हैं घर में, उसके बाद टीचर्स और फ्रेंड्स, ये तकरीबन 17-18 साल तक हो जाता है, और उसके बाद इंडिविजुअल का अपना खुद का पर्सनैलिटी उभरने लगता है, उसके क्लैरिटी ऑफ थॉट्स हो जाती है, विचारों में स्पष्टता आ जाती है, और उसके बाद ही स्टार्ट्स डेवलपिंग। तो ये तीनों स्टेज के ऊपर हमने खुद को मतलब पेरेंट्स को भी और टीचर्स और बाकी जो प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं वो और खुद वो थर्ड पर्सन, ये तीनों का मिश्रण होकर के आपका पर्सनालिटी बनता है। और हम लोग ये जानते हैं कि हर एक का पर्सनालिटी एक विशेष पर्सनालिटी होता है, एवरीबडी इज यूनिक। तो हम देखना चाहते हैं कि आप क्या हो, ठीक है ना, व्हाट इज देयर अंडर योर स्किन, आपके विचार कैसे, आपके फीलिंग्स कैसे, आपका बिहेवियर कैसा है। तो ये हम लोग एसएसबी में असिस्ट करते हैं और ये बड़ा ही यू नो साइक्रो सिस्टमैटिकली साइंटिफिकली डेवलप्ड प्रोसीजर है जो कि बहुत अच्छा है। और जो बच्चे शुरू से ये तीन चीजों के ऊपर, पेरेंट्स हो, टीचर्स हो और वो बच्चा हो, उसका अगर अपब्रिंगिंग अच्छा हुआ है और उसके कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्बल नॉन वर्बल दोनों आता है, ठीक है ना, ये ठीक है, तो जनरली वो बच्चा सिलेक्ट हो जाता है। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ सर, कि जो बच्चे एनडीए के लिए नहीं हो पाते, तो एनडीए से लेकर के ग्रेजुएशन के बीच में ये 3-4 साल जो होते हैं ये बहुत अहम होते हैं। इसके दौरान भी आप अपने विचारों की स्पष्टता ला सकते हैं और अपने आप को फौज के लिए एक मिलिट्री एप्टीट्यूड डेवलप कर सकते हो। ओके, अभी मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि हमारे एक दर्शक पूछ रहे हैं कि काफी बच्चे ये लॉ ग्रेजुएट्स हो जाते हैं, तो लॉ ग्रेजुएट होने के बाद अगर जो हमारी फौज की जो जज एंड एडवोकेट जनरल ब्रांच है, इस प्रकार के और कोई एंट्रीज है तो थोड़ा उसके बारे में बताइए। ओके, तो आपका ग्रेजुएशन होने के बाद, लॉ में ग्रेजुएशन होने के बाद आप जज एडवोकेट जनरल ब्रांच जो है उसका आर्मी नेवी एयरफोर्स इनका तीनों का नोटिफिकेशन निकलता है, और ये नोटिफिकेशन निकलने के बाद आपको 55% के ऊपर आपके लॉ ग्रेजुएशन में मार्क्स आए हुए होने चाहिए, और उसके बाद आपको कॉल आ जाएगा सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के लिए, जिसके अंदर भी आपका जो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हम बाकी एंट्रीज के लिए, बिकॉज बेसिकली वी आर दैट टाइम लुकिंग एट यू एज अ ऑफिसर, वी आर नॉट, हम ये नहीं देख रहे कि आपका लॉ का नॉलेज कितना गहरा है, हम ये देख रहे हैं कि आपका ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, आपका सबकॉन्शियस बिहेवियर कैसा है, आपका फीलिंग्स क्या है, आपका ग्रुप बिहेवियर कैसा है, बिकॉज आर्म फोर्सेज इज अ बिग टीम, ठीक है ना। तो ये रिक्वायरमेंट्स होती है, उसको दोबारा एसएसबी से जाना पड़ता है और उसके बाद मेडिकल होता है और फिर मेरिट लिस्ट आता है। इसी के साथ मैं और एक बताना चाहता हूँ, जो जैग एंट्री वाले हैं, आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए, अगर समझो आपका जैग में क्या है वैकेंसीज बहुत कम है, तो आप लोग शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए भी आर्म फोर्सेस में एडमिट ये अप्लाई कर सकते हो। आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन का सीडीएस का एग्जाम देना पड़ेगा, फिर एसएसबी और ये करके जब आप आर्म फोर्सेस ज्वाइन करते हो तो उस दौरान भी आप जैग ब्रांच में जाने के लिए अप्लाई कर सकते हो। मतलब हाँ, यस ओके। एक सवाल फिर पूछा जाता है कि केवल जो गर्ल्स है
गर्ल्स के लिए जो एंट्रीज अवेलेबल है एज ऑफिसर्स, थोड़ा इसके ऊपर प्रकाश डालिए। ओके, अभी जहां तक गर्ल्स है मैं बताना चाहता हूँ कि पहले तो अभी 10+2 में नेशनल डिफेंस एकेडमी में भी आप ज्वाइन कर सकते हो एंड यू कैन गिव योर चॉइसेस इंडियन एयरफोर्स। उसके बाद जब आप अपना ग्रेजुएशन लेवल, अगर आप इंजीनियरिंग के लिए इंजीनियरिंग या ग्रेजुएशन किया है, आपको 12th क्लास में आपने साइंस लिया हुआ होना चाहिए एंड यू शुड हैव स्कोर्ड मोर देन 60% मार्क्स इन पीसीएम। ओके, तो उसके बाद आप सीडीएस में परमानेंट कमीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद एफकैट का एक टेस्ट होता है, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अंदर दो अलग अलग पेपर होते हैं, एक तो एफकैट जनरल होता है, दूसरा होता है टेक्निकल। ओके, तो जो टेक्निकल ग्रेजुएट्स हैं दे कैन गो इन द टेक्निकल स्ट्रीम ऑल्सो, और जो बाकी जो है वो फ्लाइंग ब्रांच में जा सकते हैं, या तो फ्लाइंग ब्रांच या एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच में जा सकते हैं। और लड़कियों के लिए बहुत स्कोप है, एयरफोर्स में भी बहुत स्कोप है, लेकिन शुरू से उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है थोड़ी सी। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि एफकैट जो है वो इतना डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है। ओके, यहाँ पे कुछ और सवाल लोग पूछ रहे हैं, शायद उसका रिप्लाई मैं ही दे देता हूँ कि इसमें कई रिजर्वेशन होती है क्या किसी कास्ट के लिए वगैरह, तो उसका आंसर ऑब्वियसली नहीं है। ये केवल मेरिटोक्रेसी है, हो सकता है पूरे पुणे से ही लोग सिलेक्ट हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर उन्होंने इतनी कॉम्पिटेंस है कि नहीं, तो ये एक कॉमन सवाल है। और अभी बस हमारा समय अभी खत्म होने वाला है, तो मैं आपसे अभी बस एक सवाल लास्ट में पूछूंगा, तो अगर आप समराइज करना चाहेंगे कि इस अगर आपने आर्म फोर्सेस एक करियर के तौर पे देखना है, वहां पे जाना है, तो आप कब से तैयारी शुरू करें, कितने महीने के लिए तैयारी शुरू करें, क्या क्या प्रकार की तैयारी करें, और अगर कोई आपसे पर्सनली इस विषय के ऊपर गाइडेंस चाहता है तो क्या उसके लिए आप गाइडेंस कर पाएंगे? क्रिकेट बोले अच्छा, एक बहुत ही अच्छा सवाल। अभी सारे पेरेंट्स और टीचर्स वगैरह को पता होता है कि बच्चा जो है वो फिजिकली फिट है, पढ़ाई में कैसा है और बाकी उसका बर्ताव कैसा है, इज ही बोल्ड, इज ही कॉन्फिडेंट, तो ये सब देखते हुए बच्चे का एप्टीट्यूड डेवलप हो जाता है। तो एक्चुअली टिल 10th क्लास तक वो जनरल स्ट्रीम में रहता है, उसके बाद एक्चुअली उसका करियर के बारे में सोचने का टाइम आता है। तो जितना जल्दी चालू करें, जैसे 10वीं का क्लास हो जाता है, मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं जो इमीडिएटली आफ्टर 10th या जब वो 10th में होते हैं तभी मेरे से कांटेक्ट करते हैं कि सर इसको हम आगे कैसे वो करें। तो मैंने एक कोर्स डिजाइन किया हुआ है जो कि मिलिट्री एप्टीट्यूड डेवलपमेंट का कोर्स है, वो 1 से 1.5 साल का कोर्स है। उस कोर्स के अंदर मैं वो बच्चे का असेसमेंट करके उसको बताता हूँ व्हाट ऑल ही शुड फोकस ऑन। उसी तरह से क्योंकि इट टेक्स टाइम, ठीक है ना, इट टेक्स टाइम टू बिल्ड योर पर्सनालिटी। उसी के बाद सेम ग्रेजुएशन के बाद भी मैंने यही कोर्स रखा हुआ है फॉर स्टूडेंट्स हु आर इन द फर्स्ट और सेकंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, कि 1.5 साल के लिए वो मेरे साथ रहते हैं। अभी इसके अंदर जो आप लोगों ने खुद के अंदर जो डेवलप करना है, सबसे पहले कॉन्फिडेंस कम्स बाय नॉलेज एंड योर एक्सपीरियंस। तो यंग जनरेशन ना गलती करने से डरो मत। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स उनको ये लगता है कि फियर ऑफ फेलियर, कि मैं फेल हो जाऊंगा तो क्या होगा, मेरे से गलती हो जाएगी तो क्या कैसे करूंगा। तो ये जो गलती है इसको दूर करो। मैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो खास करके रूरल एरिया से वगैरह आते हैं उनका देखता हूँ कि वो बहुत डरते हैं। डरने की कोई बात नहीं, हम सब गाँव में से सीखे हुए हैं। इट इज अल्टीमेटली आपका मेहनत रंग लाती है, तो मेहनत तो आपको करना पड़ेगा दोनों रिटर्न एग्जाम के लिए भी और इसके लिए भी। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप सोचते हो कि आपको कोई 2-3 महीना पढ़ाई करके या 10-15 दिन का तैयारी करके यूपीएससी और एसएसबी क्लियर करोगे, तो नो, ठीक है ना, इट इज द क्लियर नो, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, ब्रिगेडियर बोलते थैंक यू, आप आज हमारे पास यहाँ पर आए। मैं जो हमारे दर्शक है उनको ये बताना चाहूंगा कि अगर आप चाहे तो नेक्स्ट संडे को हम ब्रिगेडियर बोधे को फिर एक बार आने की कोशिश करेंगे, और जिस विषय के ऊपर हम बात करेंगे कि हमारे पास आज देश में बहुत सारे CAPF है, यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस है, BSF है, CRPF है, इसके सिवाय SSB है, CISF है वगैरह वगैरह, तो उनमें किस प्रकार से आप ऑफिसर बन के जा सकते हो वो एक बात हो गया। इसके सिवाय हमारा इंडियन कोस्ट गार्ड या तटरक्षक दल है, उसके बारे में भी थोड़ी सी हम बातचीत करेंगे। तो लेकिन
अगर आपको इस जो आज का जो सेशन है इसके ऊपर कोई आपको सवाल होंगे तो आप ये चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, उस सवालों का हम नेक्स्ट सेशन में एक बार आंसर्स करना चाहेंगे सिलेक्टेड क्वेश्चंस को लेके, ये सब हम कोशिश करेंगे। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आई वांट टू थैंक ब्रिगेडियर बोधे फॉर हैविंग कम ऑन दिस प्लेटफॉर्म एंड हैविंग गाइडेड द प्रेक्षक ऑफ स्वतंत्र वीर सावरकर स्मारक ऑन वेरियस करियर अपॉर्चुनिटीज एज ऑफिसर्स इन द इंडियन आर्म फोर्सेज। थैंक यू वेरी मच ब्रिगेडियर बोधे एंड होप टू सी यू अगेन नेक्स्ट संडे एट द सेम टाइम। थैंक्स अ लॉट एंड जय हिंद। धन्यवाद सर। जस्ट सभी को सभी की जानकारी के लिए अगर आप नेट के ऊपर जाओगे तो इफ यू टाइप ब्रिगेडियर बोधेस करियर इंस्टीट्यूट विल गेट ऑल द डिटेल्स एंड देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी। मैं दोबारा एक बार वीर सावरकर स्मारक और ब्रिगेडियर अहमद महाजन को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद सर। जय हिंद। थैंक यू एंड जय हिंद। ओके।